बोला भाई कर दे एक एहसान भूप, मेरा इतना कहन पुगा दे, और प्यासे है मेरे माता पिता तू जाके पानी पिया दे। ये पंक्तियां सुनी होगी भाई, वो सतयुग का श्रमण था जिसने अपने माता पिता को पानी पिलाया, लेकिन आज के युग की श्रमण देख लो भाई, मैं कैमरा मैन सुखा जूम करके दिखा दे, ये आज के युग की श्रमण है, आने जाने वाले हर राहगीर को और ठंडा पानी पिला रहे हैं भाई। ये आज से नहीं लगभग 5 से 6 दिन पानी पिलाते हुए हो गए हैं भाई। गर्मी का ये मौसम है और जहाँ 40 से 50 डिग्री तापमान है, उस तापमान के अंदर जो ठंडा पानी पिलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और पानी भी क्या कि आप भी पियोगे तो कह उठोगे वाह क्या बात है भाई। कंपनी की रुआ उजा डाल करके और दूध के साथ यानी शरबत बना करके, और इस गर्मी के मौसम में अगर ठंडा पानी मिल जाए तो हमारी भी आत्मा कहेगी वाह क्या बात है, क्योंकि भाई दूर दूर तक चल के आते हैं देखते हैं कि पानी जो है वो घरों के अंदर ही पानी नहीं मिल पाता, लेकिन फिलहाल ये मोल पानी लेकर के और अपनी निजी कमाई में से जो श्याम मित्र मंडल है, शिवानी का श्याम मित्र मंडल, वैसे तो ये धर्म प्रेमी जो है वो शिवानी के अंदर समय समय पर जो है वो कर्म और धर्म का कार्य करते रहते हैं, लेकिन विशेष तौर से इन्होंने शिवानी मंडी के अंदर जो पहल की है वो बहुत ही सराहनीय है। और फिलहाल इनसे बातचीत कर रहे हैं श्याम मित्र मंडल के सदस्य जो है हमारे साथ मौजूद, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी नमस्कार जी, जय श्री श्याम भाई साहब, क्या हाल चाल है जी, क्या आप बड़ी सेवा दे रहे हो जी आप। सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ, आप हमारे समझा इसलिए, और हम तो 5 दिन से लगातार डेली स्टॉक लगा रहे हैं पानी की, बाबा की कृपा से बढ़िया पानी पिया रहे हैं ठंडा मीठा, और खूब बढ़िया चल रही है 5 दिन से लगातार सेवा में। देखा जाता है कि आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है, उस जिंदगी के अंदर इंसान के पास समय भी नहीं है, लेकिन आप अपना कीमती समय निकाल कर और ये मतलब जो इतनी सेवा कर रहे हो, ये जल से बड़ा क्या धर्म है। देख इस मौसम में 50 डिग्री तापमान में लोगों को पानी पिला रहे हैं, कितनी आत्मा आशीष देगी, सबसे बढ़िया काम धर्म का मान रहे हैं हम तो, काम तो ऐसे चलता रहेगा, जिंदगी ऐसी भागती रहेगी। खर्चा आ जाता है, खर्चा किस तरह से मेंटेन कर पाते हो आप? हमारे मंडल में आ जाता है, बाकी सब भाइयों का सहयोग है, जो कम रह जाए टूट जाएगा वो मंडल बैन कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसे की दिक्कत नहीं है, सिर्फ सेवादारों की जरूरत है यहाँ। ये भावना होती है भाई, आप देख सकते हो ये इनकी भावना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कितना ही पैसा क्यों ना लग जाए, लेकिन जो सेवा जो है करनी करनी है। 20 से 25 हजार रुपए खर्चा है हमारा डेली का, और 9 से 10 हजार पानी आज डेली पानी पीते हैं डेली कंटिन्यू। कल तो शाम मोड़ पे पुराने बस स्टैंड था, 2000 लीटर पानी पिलाया हमको लोगों ने। यानी कि आप शिवानी मंडी के अंदर अलग अलग जगह पर लगाते हो? हाँ, पहले मैंने लगाया था पुराना बस स्टैंड, फिर लगाया हमने गुरेरा मोड़ पे, उसके बाद लगाया तोसा मोड़ पे, और फिर पुराना बस स्टैंड लगाया था, आज यहाँ है 5वां दिन, आज हमारा यहाँ 5 दिन लगातार से सेवा दे रहे हैं, और शाम को 4 बजे तक पिलाते हैं। तो ये सेवा कई दिन और करने की सलाह है हमारा, तो ऐसा इच्छा है बाबा की, चलता रहे। ये देख सकते हो भाई सेवा भावना है, तब तक बाबा की इच्छा होगी तब तक चलता रहे भाई। 5 दिन लगातार हो चुके हैं और पता नहीं कितने दिन और चलेगी, जब तक भीषण गर्मी पड़ेगी तब तक ये सेवा इस तरह जारी रहेगी। आपका इस बारे में क्या कहना, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दे, क्योंकि आजकल ऐसे धर्म प्रेमी बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो एक अंकल जी इनसे बातचीत कराएंगे, आज कैसा आनंद आ रहा है अंकल जी सेवा करके? सेवा करके आनंद आता है, ऐसे भी तो सेवा कर रहे हैं, आत्मा को तो बड़ी शांति मिलती होगी। शांति तो वो तो एक भविष्य की बात है, क्या मिलेगा। बाजी बाजी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विचार है जी। हाँ जी श्रीमान जी, कैसे हो? एकदम बढ़िया। ये श्याम मित्र मंडल है जो समय समय पर वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करता रहता है शिवानी मंडी के अंदर, लेकिन ये जो ठंडा जल पिलाने की पहल की, इसके बारे में? बहुत बढ़िया काम है जी, वो त्योहार का टाइम है, निर्जला ग्यारस पे तो सब जल पिलाते हैं, लेकिन हमने ये सोचा गर्मी ज्यादा है तो पहले ही शुरू करे, हमारे मंडल ने सोची ये बात। बहुत बढ़िया, और हमारे मंडल जी प्रधान जी ने की है पहल। प्रधान जी कौन है मंडल के? ये सत्यनारायण सिंगला। अच्छा अच्छा, सिंगला साहब है। तो भाई देख सकते हो, कहते भी एकादशी के ऊपर तो आप देख सकते हो जगह जगह स्टॉले लगती है पानी की, लेकिन इनका क्या है मुख्य लक्ष्य, ये भाई क्यों ना हर दिन एकादशी मनाई जाए, हर दिन राय के लोगों को पानी पिलाया जाए। और फिलहाल देख सकते हो भाई साहब कैसा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है सर, बहुत बढ़िया आ रहा है। कई दिन और सलाह है सेवा करने की, ये लगातार चलता रहेगा। बिल्कुल भैया, आप देख सकते हो, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं भी, हाँ बेटा क्या कहना चाहोगे, पानी पी के बढ़िया आनंद आ रहा है? हाँ। बोल के बता। आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, जमा जमा मारले काटले हो रही है क्या, बता दे नाम नुम तेरा। अरे देशराज भाई साहब, इनसे बातचीत करेंगे, ये भी समय समय अपनी सेवा देते रहते हैं, पैसे से जमींदार है, लेकिन सेवा भाव ऐसा कोई भी शिवानी में धर्म करना कार्य हो आगे पाते। देशराज भाई क्या कहना चाहोगे आज, ये इतनी बड़ी सेवा कर रहे हो भाई, दिल ने सुकून मिला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिला भाई, इस प्रकार से मन में आई, इतने बिजी होते हो आप अपनी खेती बाड़ी छोड़ करके, और पहला धर्म ये भाई पानी का, ठंडा पानी का पहला धर्म है, खेती धंधा बाद में अपना, सारा दिन जिस प्रकार अब लेन लग रही है, ऐसे लेन लगी रहती है। हाँ बिल्कुल, ज्ञानी जी, हाँ ज्ञानी, हाँ क्या कहना चाहोगे, क्या सेवा दे रहे भाई? सेवा के लिए सही है, सब कुछ अच्छा है, पानी पुणी पी के देखे, पानी पुणी पी के देख रखे, सारा कुछ बढ़िया है। पानी पियो भाई, लेकिन खारा पानी मत पियो, पानी पियो,
बहुत बढ़िया बात है, देख सकते हो आप। और भाई दूध वगैरह डाल करके और आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे तरीके से जो है वो राई घरों को पानी पिलाता है। भाई आपका इस बारे में क्या कहना, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दे, क्योंकि हमारी जो शिवानी मंडी है वो धर्म नगरी के नाम से प्रसिद्ध है और धर्म नगरी शिवानी मंडी को ऐसे नहीं कहा जाता, क्योंकि अगर यहाँ पर धर्म प्रेमी बहुत ज्यादा है और समय समय पर जो है वो धर्म और कर्म के कार्य यहाँ पर करते रहते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। शिवानी मंडी से एनपीएस न्यूज के लिए नरसिंह प्रजापत की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।